हेलो एवरीवन, दिस इज योर बेस्ट एंड फेवरेट मारियो 78 वापस से आ गया है एक नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग, आज की जो वीडियो होने वाली है पूरी तरीके से हटके होने वाली है, क्योंकि इस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप इजीली पूरी तरीके से हर CS रैंक मैच को आप जीत सकते हो। ठीक है, कैसे आप जीत सकते हो आज की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ और 4 स्टेप पे समझाऊंगा। ठीक है, चाहे भाई सामने वाले प्लेयर आपसे 2 गुना अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, उससे फर्क भी पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है, क्या क्या ट्रिक, कौन सा टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, जिससे भाई आप भी इजीली ग्रैंड मास्टर तक भी जा सकोगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज है उसको जान लो और इजीली गए। और हर बार बोलना पड़ता है गाइस आप लोगों को कि भाई लाइक कर देना, लाइक कर देना, एक लाइक जरूर कर देना यार, मोटिवेट फील करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई सब्सक्राइब के बटन को अभी तक नहीं दबाया, चैनल पर नए आए हो ना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, जैसे ही मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक आपके लोगों के लिए डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलो यार, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली स्टेप पे आप लोग जान लो कि क्या गलती होता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को पता होगा हम CS रैंक में खेलते रहते हैं और भाई कई बार क्या होता है कि भाई हमारे जो दोस्त है बात नहीं करते। ठीक है, माइक ऑन नहीं करते, लेकिन गाइस ये गलत है। आप लोग अगर आगे तक जीतना है ना, तो भाई आप लोगों को माइक ऑन करके रखना पड़ेगा, सब लोग बात करके खेलो, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ खेलो कि उसको उधर बंदा है उधर मत जा और इधर कवर लेके खेल, ये बोल सकते हो ना गाइस। लेकिन होता क्या है, जो मेरे साथ होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा मेरे को पता है। ठीक है, जो रियलिटी है उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई एक अच्छा स्क्वाड बना लो और स्क्वाड में आप लोग खेलो बात करके। ठीक है, कि उधर एक बंदा है, अब मैं उधर से घूम रहा हूँ, तू उधर से जा, मतलब ऐसे बात करके खेलो, जिससे भाई आप इजीली जीत सकोगे। ठीक है, मैच को चाहे जितने अच्छे प्लेयर हो सामने वाले। ठीक है, माइक ऑन हमेशा करना, ये चीज भाई गलती बहुत सारे बंदे करते हैं और बहुत सारे बंदे बोलते भी है माइक ऑन कर माइक ऑन कर, लेकिन नहीं करते, ये गलत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टेप की ओर। तो गाइस यार, हमारी जो दूसरी स्टेप है वो है गाइस, आपको पता होगा गाइस, हाँ, पहला जो स्टेप होता है, मतलब पहला राउंड होता है ना, उसमें M500, G18 या WSP यहाँ पे पकड़ने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर बंदे क्या करते हैं, भाई अपने टीम में है तो भाई आपको भाई सभी के सभी M500 या सभी के सभी को G18 पकड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या पड़ता है, देखो कवर देना सीख लो, मतलब कवर देना सीख लो। ठीक है, बंदों को, जैसे आपका बंदा भाई, दो बंदे आप लोग G18 पकड़ो और दो बंदे M500 पकड़ो, जिससे होगा क्या भाई, दो बंदे अगर हो ना तो दो बंदे बीच में जाके लड़ाई करेंगे और दूर से आप लोग दोनों M500 से वन टैप देने की कोशिश करोगे, जिससे भाई आप इजीली जीत सकोगे। ये बात ध्यान रखना गाइस, आपको सभी को M500 या सभी को G18 नहीं पकड़ना, या फिर WSP, आप लोगों को दो बंदे को एक गन और दो बंदों को एक गन पकड़ना पड़ेगा। होप ये समझ गए होगे गाइस, आपको उसमें मिलेगा गाइस बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस मिलेगा, एक बार करके देखना। आप लोग G18 वाले धड़ाधड़ थोकते रहना, मतलब पास जाके, और दूर से आप लोग M500 में कोई कोई बंदे, दो बंदे आपको मारते रहना है वन टैप, भाई उनको भी पता नहीं चलेगा भाई दूर से मार रहे करके। ठीक है, तो ये होप ये दूसरा स्टेप भी आप लोग समझ गए होगे। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर। तो गाइस यार, तीसरी स्टेप पे आप लोगों को क्या सीखना पड़ेगा आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरी स्टेप पे गाइस आप लोग जान लो कि ग्रेनेड किस तरीके से आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि भाई 2-3 राउंड हम लोग ग्रेनेड से ही मर जाते हैं, मैं भी मरता हूँ और आप लोग भी मरते होगे मेरे को पता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्यों ना भाई आप लोग ही ग्रेनेड करना सीख जाओ, लेकिन ये नहीं भाई ग्रेनेड कहीं भी कर दिए कुछ भी कर दिए, ऐसा ग्रेनेड नहीं करना है। आप लोग क्या ग्रेनेड करना है, कैसे ग्रेनेड करना है आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक बंदा हमेशा पीछे रहेगा और 3 बंदे जो है एक साथ जाएंगे लड़ने आगे। तो 3 बंदे एक साथ जाएंगे ना, तो उनके जो बंदे होते हैं ना, तो सभी बंदे यहाँ है करके, मतलब बात करके, वो लोग सभी बंदे जो है 3 बंदों को मारने के लिए आ जाते हैं। किल लेने के चक्कर में जो है वो सभी बंदे, चारों बंदे एक साथ आ जाते हैं, तो भाई एक बंदा जो पीछे रहेगा ना, वो भाई कुक करके ग्रेनेड को फेंकेगा, टाइम बम करेगा। ठीक है, तो वहां पे 2-3 बंदे आप लोग का डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना गाइस, आप लोग जो है उसी तरीके से ग्रेनेड करो जैसे भाई आप लोग जो है स्ट्रेटेजी के साथ, मतलब भाई किल ले सको। ठीक है, तो होप यहाँ पे समझ गए होगे आप लोग क्या करना है। तीसरी स्टेप यहाँ पे खत्म होती है, अब बढ़ते हैं अपनी चौथी स्टेप, अब सबसे लास्ट स्टेप। ठीक है गाइस, तो गाइस यार चौथी स्टेप को कोई स्टेप नहीं बोल सकते, आप लोग को क्या बताने वाला हूँ पता है, चौथी स्टेप वाइज हेडशॉट लगाना सीख जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है गाइस। आप लोग चाहे जो भी हो भाई, अगर नए आए हो ना उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन गाइस जितने पुराने व्यूवर्स हैं ना उनको पता है कि भाई हमेशा हेडशॉट लगाना थोड़ा अच्छे से सीख जाओ। अगर हेडशॉट लगाना नहीं आता ना, तो हमारा चैनल सिर्फ वन टैप हेडशॉट और हेडशॉट ट्रिक के ऊपर भरा पड़ा है। ठीक है, आप लोग जाके देखो, जो भी गन है उसको क्लिक करो, जैसे M500 पे आप लोग को देखना है तो भाई M500 हेडशॉट ट्रिक मारियो 78 ऐसे लिख दो, आप मेरा बहुत सारा आ जाएगा, या फिर भाई मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो होप यहाँ पे समझ गए होगे, चौथे स्टेप यही है गाइस, हेडशॉट लगाना अच्छे से सीख जाओ।
तो होप यहाँ पे चारों स्टेप को समझ गए होंगे। पहला स्टेप तो मैं आपको बता दिया कि माइक ऑन रखना, चारों बात करके आप लोग को खेलना है। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई आपको जो है सभी के सभी एक गन जैसे नहीं पकड़ना है, ठीक है। M500 पकड़ना दो बंदे और दो बंदे G18 या फिर दो बंदे USP या फिर M500 ऐसा करके पकड़ना भाई, दूर से कवर मिल सके। हमेशा गाइस अपने दोस्तों को कवर देने का सीखना, जैसे आपका दोस्त वहां लड़ रहा है आपको किल नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको CS रैंक जीतना है, ये चीज ध्यान रखना गाइस। आपको CS रैंक मतलब अपने दोस्त को लेने दो किल कोई बात नहीं, लेकिन उसको कवर दो आप ईमानदारी के साथ। होप आप समझ गए होगे ये भी चीज। और तीसरा भाई आप लोग को ग्रेनेड करना आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब गाइस एक जगह अगर बंदे हो गए ना तो आपको घुस के नहीं मारना, वहां पे दूर पे रहना है और एक साथ आप लोग को कुक करके ग्रेनेड करना है, ठीक है। उससे भाई आप लोग इजीली जीत सकोगे, चाहे भाई जो भी बंदे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। स्ट्रेटेजी के साथ खेलोगे जितने भी बड़ा प्लेयर हो कोई टिकने वाला है नहीं। होपफुली गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, चारों स्टेप को ध्यान से आप लोग फॉलो करना, ध्यान से आप लोग खेलना, उम्मीद करूंगा गाइस आप लोगों को पसंद आई होगी। और भाई पिछली वीडियो को जिस तरीके से प्यार दिए ना आप लोग, इस वीडियो को भी ऐसा ही प्यार मिलेगा होप, तो लाइक जरूर कर लेना, लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करता हूं, तो लाइक जरूर कर लेना। और चैनल पर नए आए हो ना सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री होता है भाई लाइक सब्सक्राइब करना, उसको भी बोलना पड़ता है भाई, जरूर से कर लेना सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों के पास पहुंच सके और सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को देख सको। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।